नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। 26 अगस्त 2023 आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, बिजनेस में कैसे मुनाफा होगा, कैसे हेल्थ का ध्यान रखना है, कैसे आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अब शुरुआत करते हैं 26 अगस्त 2023, दिन शनिवार, आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास सावन है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज दशमी तिथि रात 12:08 तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 8:36 तक रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग विषकंभ योग शाम 4:27 तक रहेगा, इसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 8:36 तक गोचर करेंगे, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:56 तक होगा। आज चंद्रोदय रात 3:01 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9:09 से शुरू होकर सुबह 10:46 तक रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है जान लेते हैं। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि वालों, चंद्रमा की उपस्थिति धनु राशि में होने के कारण आप में से कुछ लोगों को अपने अभिमान में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। अब आप खुद पर यकीन कर सब कुछ देने को तैयार है। आज वो दिन है जब आप खुद की अंत प्रेरणा तथा साहसी भावना पर यकीन कर सब कुछ पा सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप अपने फैसले को हर चीज़ से ऊपर रखकर उन पर ही चलें और ये आपको आपके सपनों के करीब लाएगा। अपने फैसलों पर यकीन रखें तथा ये फैसले भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और गहराता चला जाएगा, ऐसा आप आज महसूस करेंगे। हवाई कल्पना में ना उड़कर यथार्थ से जुड़ें। वैसे अपने को इस पार्टनर के सामने खुलकर पेश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। फिर भी बहुत आगे बढ़ने से परहेज़ करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज आप अपने ऊपर काम का बोझ महसूस करेंगे। चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हों, हर बॉल को हवा में ही रखने की कोशिश करें। इस समय जो आप अतिरिक्त काम कर रहे हैं उसका फल आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए लाभ लेकर आएगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। करियर में आर्थिक लाभ के नए मौके सामने आएंगे। ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए ऐसे किसी भी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप अपनी योग्यता को कम करके मत आंकिए। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा जोखिम उठाते हैं तो ये तय है कि आगे आपको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपने जो बहुमूल्य पत्थर पहना है उसे ज्योतिषी के पास जाकर चेक कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। गलत समय पर गलत पत्थर पहनने से आपको उसका बुरा असर भी देखना पड़ सकता है। सुरक्षित रहना ही बाद में पछताने से बेहतर है। आज के दिन आपका लकी कलर नीला रहेगा और ज़रूरी काम करने के लिए शाम 4 से 5 के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज के लिए राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, चंद्रमा की मौजूदगी धनु राशि में है जो ये बताता है कि आप आज में से कुछ लोगों का मिजाज अच्छा रहेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी बताते हैं कि आज आपका दिन बेहतरीन होने वाला है। आज आपका मन संतुष्ट रहेगा। हो सकता है कि जैसी योजना आपने बना रखी है चीज़ें वैसी ही चलने लग पड़े। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वे आपसे प्रसन्न हैं तथा आपकी मदद करने के लिए भी हमेशा मौजूद रहते हैं। आज के दिन का फ़ायदा उठाएं। आपका जितना भी कार्य अधूरा रह गया है आज उसे पूरा करने का प्रयास करें। आपके कार्य आज पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। दोनों के बीच हाल की कुछ मनमुटाव के बाद आज आप एक दूसरे से फिर बंध गए हैं।
आपने एक दूसरे को बेहतर समझा है और बातचीत की है। अपने पार्टनर की बात को तरजीह दें और ध्यान से सुनें। रिश्ता रास्ते पर आ जाएगा, उसे सराहना दें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ के मामले में। अब बात करते हैं आपके करियर की। हालांकि आपकी नौकरी ठीक से चल रही है, फिर भी आप पाएंगे कि आपके लिए काम के कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो योजनाएं आपको हाथ में दी गई हैं उनके अलावा और भी बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा। कार्य क्षेत्र में मिलने वाले शुभ समाचार को सुनने के लिए अपनी आँख कान खोले रखें। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपकी आर्थिक स्थिति की। आज व्यवसाय का कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, तो ज़रूरत है कि आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे आपके अच्छे और प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे। व्यवसाय में कोई साझेदारी बनाते हैं तो वे भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इससे आगे चलकर व्यवसाय बढ़ेगा और अच्छी आमदनी भी होगी। अपने मिजाज के लोगों के साथ साझेदारी करने से आपको तुरंत अच्छा फ़ायदा होगा, इसलिए अच्छा है कि साझेदारी में तुरंत कोई व्यवसाय कर लें। इसका अच्छा लाभ दिखेगा, लेकिन साझेदारी समझदारी से चुनें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अच्छी सेहत के लिए आज आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ध्यान रहे आप किसी भी लड़ाई में ना फंसें, उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। 10 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा। बैंगनी कलर आज आपके लिए लकी रहेगा। थैंक यू। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज चंद्रमा की धनु राशि पर उपस्थिति के कारण आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा और ये पूरे समय आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी घरेलू मोर्चे पर भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि शांति और धीरज बनी रहेगी, इससे आपकी मनोस्थिति अच्छी रहेगी। ये आपके काम में भी दिखाई देगा और आप आज बहुत कुशल रहेंगे। आपको अपने निजी रिश्तों को समय देने पर ध्यान देने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके रिश्तों को बेहतर कर देगा। काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपके साथी को आपसे रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की ज़रूरत है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे भरपूर सहयोग दें। तनावपूर्ण माहौल से बाहर लाकर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। पढ़ाई हो या ऑफिस, आज का दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। हर दिशा से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। इन सबको संभाल कर रखें, क्योंकि इनको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपने जितनी मेहनत की है, अब आपको बैठकर इसका मज़ा लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। काम का बोझ आपको व्यस्त तो रखेगा, लेकिन भविष्य में ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक नया व्यवसाय भी शुरू होने के संकेत हैं। इसलिए अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आपकी कमाई भी इससे बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत हैं। हो सकता है आपको कोल्ड या कफ जैसी प्रॉब्लम हो जाए। आज आपको पूरे दिन जुकाम, सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है। इसे डॉक्टर के पास जल्द ही जाएं, इसे इग्नोर ना करें। आज आपको सेहत से संबंधी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लकी कलर आपके लिए फिरोजा रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या खास है आज के दिन में। प्रिय कर्क राशि के जातक, आपकी विपरीत रुचियां और कर्तव्य आज आपको थोड़ा अशांत महसूस करा सकते हैं। धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको प्रभावित करेगी। ये काम में बाधाओं और कठिनाइयों के कारण हो सकता है। जैसे ही ये समय आता है, बस इसे स्वीकार करें। यदि आप इसे लेकर खुद पर बहुत अधिक दबाव डालेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे सावधानी के साथ संभालें और आप उसके बाद अंतिम परिणाम से प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपको उस सच्चाई से अवगत होने का अवसर मिलेगा जिसे एक साथी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी गलत लोगों में वो खूबियां ढूंढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रति वफादार हुए और लंबे समय तक रहने वाली खुशियों के बारे में विचार करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सही मायने में आपकी इज्जत करे और आने वाले समय में खूब खुशियां दें। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज आपको काम करने व पढ़ने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ किसी तरीके का व्यवधान ना हो। आज आपका ध्यान आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहा है। अगर आज आप अपना ध्यान केंद्रित रख सकें तो आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है।
अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रचनात्मक और अपने मिजाज के लोगों से साझेदारी करके चलें। इससे आपको अपनी योग्यता साबित करने का भी मौका मिलेगा। आपके हित में है कि आप नित नई आ रही तकनीक की जानकारी रखें। इस तरह आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपकी क्षमताएं भी आप साबित कर पाएंगे। ये समय सही है, इसका पूरा तरीके से आप यूज़ करिए। अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने जो अंदर स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करिए और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आज आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही अच्छा रहेगा। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, मगर लापरवाही ना बरतें। आज का शुभ रंग हल्का हरा रंग रहेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सुबह 10 बजे से 11:15 बजे के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि का आज का राशिफल। आज आपको अपने आसपास के लोगों में बढ़ रहे तनाव को कुछ कम करने के लिए अपने सामाजिक कौशल पर निर्भर रहना पड़ सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का मानना है कि आप बहुत ही सुंदर मध्यस्था कौशल का प्रदर्शन करेंगे और जो कि अप्रिय स्थिति को पार पाने में आपकी पूरी मदद करेगी, ताकि वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन घटनाओं को अपनी सकारात्मकता में बाधा ना बनने दें। धनु राशि का चंद्रमा आपको बाधाओं से पार पाने के अतिरिक्त शक्ति देगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज का दिन होने वाले पति या पत्नी के बारे में व्याप्त शक को दूर करने का दिन है। यदि आपको इस बारे में कुछ शक है तो वो केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उस बारे में अपने दोस्तों एवं परिजनों से चर्चा करें व निर्णय लें। जीवन साथी का चयन करने में अपने दिल की आवाज़ को सुनें। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परेशान कर रही थी, आज वो परेशानी कम हो रही है। आपकी दिक्कतें दूर हो रही हैं। आप पर काम का बहुत बोझ रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा। कम तनाव के इस दौर का लाभ उठाकर आपको अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको दूर के फायदे को सोचकर चलना होगा, इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगैर ही खुद पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अपना व्यवसायिक और आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लगाइए। कोई भी नई व्यवसायिक योजना शुरू करने से पहले उसकी समझदारी से प्लानिंग कर लेना ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप हाथ आए मौके को जाने ना दें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आप खुद को तनाव से मुक्त पाएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज का दिन खूब मज़े में बिताएं, क्योंकि अच्छा मूड और कम तनाव आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, इसलिए खूब मस्ती करें। अधिक सफलता के लिए मैजेंटा कलर आज आप पहनकर बाहर जा सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। बहुत बहुत स्वागत है आपका कन्या राशि के जातकों। चंद्रमा के धनु राशि में होने के कारण आज आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको अवसरों का उपयोग करना चाहिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अधिक सफल बनाने के लिए इनका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। आज आप अपने कलात्मक कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये आज आपके लिए प्रशंसा और पुरस्कार ला सकता है। आपके निजी जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा और इस स्थिति से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। एस्ट्रोयोगी के ज्योतिषी अधिक शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने परिवार के साथ अपना खाली समय बिताने का सुझाव देते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपको अपने फौलादी इरादों से अपने साथी के बारे में अवांछित विचारों को निकाल देना चाहिए। आपस में व्याप्त गलतफहमियों को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें, जिससे आपसी प्रेम व समझदारी बढ़ सके। अब बात करते हैं आपके करियर की। आप सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
चाहे वो कोई अध्यापक हो, किसी एनजीओ से जुड़ा कोई क्षेत्र हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व आज बाहर निखर कर आएगा। आपकी वर्क प्लेस पे आप काफ़ी अच्छा प्रभाव आज छोड़ेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। व्यवसाय के क्षेत्र में बन रहे नए संपर्कों से आपको फ़ायदा पहुंचने वाले नए मौके मिलेंगे। हालांकि इन्हें हासिल करने से पहले इसके दोनों पक्षों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए भी करना चाहिए। इससे आपको अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने में तो मदद मिलेगी ही, नए नए विचार भी दिमाग में आएंगे। आप अपने दृढ़ प्रयासों से अपने लक्ष्य को पा लेंगे और आपके सपने साकार होंगे। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों को लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाद में आप उनसे बात ना करें। आप आज फिरोजी रंग में कोई पोशाक पहनने का विकल्प चुन सकते हैं। फिरोजी रंग आज आपके लिए लकी रहने वाला है। सुबह 11 बजे से 1 बजे का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, आपको आज सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता है। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों का भी दावा है कि आज आप एक ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व से मिलेंगे जो आपकी राय से सहमत होगा। सामान्य के विपरीत आप अधिक मिलनसार महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं या सामूहिकरण करते हैं, आज आप नेटवर्क बनाएंगे और खुद को सफल होने की स्थिति में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपके विचारों से सहमत एक दिलचस्प व्यक्ति से मिलने की संभावना बहुत अधिक है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज अपने मन की भावनाओं को अपने साथी के समक्ष स्पष्ट रूप से रखते हैं। यदि आपको डर है कि प्रतिकार कैसा होगा तो लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करें। खत के माध्यम से अपने प्यार को प्रकट करें। एक दूसरे से बातचीत करके ये सुनिश्चित करें कि बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अब बात करते हैं आपके करियर की। आपको ऐसे बहुत से मौके आज मिलेंगे जब आपकी अपनी समझदारी, रचनात्मकता व क्रियात्मकता का परिचय देना होगा। आज एक ऐसा दिन है जबकि आपको वो काम करना पड़ सकता है जो कि आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक प्रबंधन में अपनी महारत और सकारात्मक सोच की बदौलत आप आसानी से अपना आर्थिक लक्ष्य पा लेंगे। आप अपने काम में बहुत सफल होंगे, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है तो बिल्कुल हतोत्साही नहीं होना है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज सेहत को लेकर आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज आप कोई भी शारीरिक परेशानी महसूस नहीं करेंगे। आज आप ऊर्जावान रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गुलाबी रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। 5 से 6 के बीच का समय शाम को आपके लिए अद्भुत रहेगा। थैंक यू। अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमा का मकर राशि पर उपस्थित होना आपको बेचैन और अधीर बना सकता है। सुनिश्चित करें कि आप कुछ भी अनुचित ना करें, क्योंकि ये संभावना है कि आज आपके राजनयिक कौशल की परीक्षा हो सकती है। यदि आपका कोई करीबी आपकी सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा है जो आपको परेशान या निराशाजनक लग सकता है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है। आपको थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है और अपना संदेश शांतिपूर्वक देना है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने साथी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी बातों को समझें कि वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आप उनकी बातों को अच्छे से दिलचस्पी लेकर समझने की कोशिश करें आज। अब बात करते हैं आपके करियर की। अपने महत्वपूर्ण कामों को आप पूरी सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। अपनी योजनाओं के आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। जैसे ही
आप अपना दिमाग लगाकर काम करना शुरू करेंगे, आपकी सारे परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अपना आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। बस ध्यान रखें कि आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पहले पूरा कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सकारात्मक सोचें और आशावादी बने रहें। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखना ही नहीं बल्कि दिमाग को भी शांत रखना सिखाएगा। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय 3 बजे से 4 बजे का है। आपके लिए आज हरा रंग बहुत ही लकी है। ये आपके अंदर धैर्य लेके आएगा, थोड़ी शांति लेकर आएगा। थैंक यू। अगली राशि धनु राशि। बहुत बहुत स्वागत है आपका धनु राशि के जातकों। चंद्रमा की धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही आप खुद के बारे में अच्छा और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सराहना और सम्मान मिलेगा। आपको अपने वरिष्ठ और सहकर्मी मान्यता देंगे। अपने जो मुकाम तक आप आज पहुंचे हैं उसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है और उसका फल आज आपको मिलेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आज के लिए सारी चिंताएं छोड़कर अपनी कामयाबी और उपलब्धियों का आनंद लें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज का दिन उन विषयों पर बात करने के लिए उचित है जिन पर आपके साथी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अवांछित गलतफहमियों को दूर करने की भावनाओं को प्रकट करें जिससे आप दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाए एवं प्रेम बना रहे। अब बात करते हैं आपके करियर की। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, आपको किसी ऐसी शांत जगह की तलाश करनी चाहिए जहां किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आज आप पाएंगे कि आपका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। अगर आपको अपना ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है तो आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं अपना ध्यान और ज़्यादा अच्छे से लगाऊं और अपना कंसंट्रेशन लगाऊं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अचानक मिली बड़ी आर्थिक सफलता आपको और अधिक प्रेरित करेगी। इस आर्थिक सफलता का सदुपयोग कुछ इस तरह करें कि इससे आपको और अधिक सफलता मिले, क्योंकि अभी और आर्थिक सफलता के संकेत हैं। अपने काम में उठाए गए सही कदम आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगे। इसके दम पर आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। कोई नई योजना शुरू करने के लिए भी ये उचित समय है। व्यवसाय में कोई नया विचार सामने आता है तो उसके बारे में तुरंत सोचें और स्वीकार कर लें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा। आज आपको हल्का व्यायाम करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं। आज के दिन के लिए हरा रंग आपके लिए लकी रहने वाला है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप दोपहर 3 से 4 के बीच कर सकते हैं। थैंक यू। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि वालों, धनु राशि में चंद्रमा की मौजूदगी का मतलब है कि दोस्त आपकी मदद और मार्गदर्शन के लिए दिखेंगे आपको। चंद्रमा आपको आपकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है और आप अपने आंतरिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। ये समय अपनी वफादारी साबित करने का है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अगर आपको अपने रास्ते में कोई अड़चनें आती हैं तो उससे आपको डटकर सामना करना है। आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। आखिरकार आपका रिश्ता हमेशा से ही अच्छा रहा है अपने दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। जो लोग आज आपके पास आते हैं उन्हें अच्छी तरह से सोच समझकर परिपक्व और व्यवहारिक सलाह दें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आपके विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छा आज रहेगा और लोगों को आपके साथ रहना भी अच्छा लगेगा। आज आपका साथी अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा जिसकी वजह से आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, आज आप अपने प्रदर्शन को लेकर खुश हो सकते हैं। आपके बॉस व परीक्षक आपकी मेहनत पर नज़र रखे हुए हैं। अपने काम से काम चोरी करके आपको अपने टीचर या बॉस को नाराज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की।
व्यवसाय से जुड़ा कोई फैसला लेते वक्त आप सावधान रहें ताकि कोई आपको ठगे नहीं, क्योंकि अंदेशा है कि आपके व्यवसायिक साझेदार आपके व्यवहार का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। वैसे जहां तक आर्थिक मामलों का सवाल है, आपके लिए आज का दिन अच्छा है, पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं तो फैसले लेने की अपनी क्षमता को और विकसित करें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आज आपको सेहत की समस्या नहीं रहेगी, सेहत बढ़िया रहेगी, इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम कर सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ने के कारण अपने काम में पीछे रह गए थे तो आज वो दिन है जब आप अपने कामों को निपटा सकते हैं। आपके लिए जैतून के हरे रंग में कुछ पहनना बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। थैंक यू। बात करते हैं कुंभ राशि की। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंभ राशि के जातकों। चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हो रही कार्य पर अधिक मेहनत के कारण आज आपका दिन थकान भरा हो सकता है प्रिय कुंभ राशि, क्योंकि आप कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा काम अपने कार्यालय में करते आ रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। थकान महसूस करने के कारण आप जल्द ही निराश और चिड़चिड़ापन भी महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आपको स्थिति में बहुत धीरज रखनी चाहिए, नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। आज आप देखेंगे कि आपके प्रयासों से मतभेद कम हो रहे हैं, आपसी प्रेम चरम सीमा पे है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। इस समय काम की मांग के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय अपने करियर को बदलने के कार्य आप कर सकते हैं। आपको पूरी मेहनत के साथ अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक लाभ के बड़े अच्छे मौके आज आपके सामने होंगे, लेकिन बस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपको बड़ी ठोस नीति बनाकर चलना होगा। आप में से कुछ लोग अच्छी समझदारी दिखाकर अपने समय पे काफ़ी फ़ायदा बटोर लेंगे। मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम आज आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आज आप ऊर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा आश्चर्य होगा। इन दिनों को खूब मस्ती से गुजारें, खूब अच्छे से खुशनुमा मूड में अपने साथियों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। आज आपको बाहर जाकर मस्ती करने का मौका भी मिलेगा। दोपहर 2:45 से 3:45 तक का समय आपके लिए अनुकूल है। भाग्यशाली रंग काला होगा। थैंक यू। और अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीन राशि के जातकों। चंद्रमा धनु राशि में है तो ये आपके लिए बताता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत सी अद्भुत चीज़ें लेकर आया है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तथा आपके सारे मनोभाव आपके काबू में हैं। आज के दिन आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आज आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपको आज करना क्या है, ताकि आप आज के दिन को बेहतर बना सकें। आज आपका संचार कौशल बहुत अच्छा होगा। आज आपके रिश्ते कुछ गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। लव लाइफ में आपको गलत फहमियाँ दूर रखनी है, स्पष्ट बात करनी है। जितना क्लैरिटी रखेंगे एक दूसरे के कम्युनिकेशन में, उतना बहुत अच्छा रहेगा। दूर करने के लिए आपको जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, बैठकर शांति से आपको बातचीत करनी चाहिए, हल ढूंढना चाहिए। समस्या के बारे में चर्चा करने से आपको दूर नहीं भागना चाहिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज आप ऑफिस की परेशानियों को भूलकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के मूड में हैं। काम के सिलसिले में आप पिछले कुछ समय से यात्रा ही कर रहे थे, इसलिए यात्रा की थकान मिटाने के लिए अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। ये सही वक्त है कि आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को समझें और अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें, चाहे इसमें जो भी जोखिम हो और जितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े आगे बढ़ें। आज आप शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये मौका सही है। निवेश के जो नए मौके सामने आ रहे हैं उनमें पूरी समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं आप। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कुछ पुरानी बीमारियों के कारण आप परेशान और चिड़चिड़े हो गए हैं, मगर ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज आप फिर से पहले की तरह रास्ते पर आ जाएगी। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल फ़ोन में ना बिताएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें। आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे का समय आपके लिए शुभ रहेगा। सुरमई रंग आपके लिए आज लकी रहेगा। थैंक यू सो मच। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है।
और अब एस्ट्रो योगी के दर्शकों के लिए बहुत ही खास ऑफर, आप अपना पहला एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रो योगी ऐप या फिर लॉग इन कर लीजिए astroyogi.com पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो जल्दी से लॉग इन कर लीजिए astroyogi.com पर या फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रो योगी ऐप। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी, पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।